वेलकम अगेन फ्रेंड्स इन योर चैनल ऋतिक शर्मा केमिस्ट्री क्लासेस। आवर टुडेज टॉपिक इज ऑन बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर पढ़ेंगे। ट्रिक से मतलब है, कंसेप्चुअल है आज की वीडियो, तो खैर ट्रिक नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकेगा मैं समझाऊँगा ट्रिक से भी। तो ठीक है, अभी मैंने एक चार्ट बनाया है, वो चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें जितने भी टाइप की शुगर्स हमारे सिलेबस में हैं उन सबको मैंने कवर किया है, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स ये देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, और ये ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। यानी उनमें एक एसिमेट्रिकल कार्बन एटम प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक बात कहूंगा कि मैंने अभी पहले एक वीडियो बना रखी है बायोमोलिक्यूल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ कंटेंट डिस्कस करूँगा, स्ट्रक्चर वगैरह पर ज़्यादा जो है फोकस नहीं कर पाऊँगा। उसमें मैंने स्ट्रक्चर्स कैसे बनती हैं, कैसे वो लाइज करती हैं, सब कुछ बता रखा है, डिटेल से बता रखा है, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। बायोमोलिक्यूल के नाम से है वो स्ट्रक्चर, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेक्टोज जो भी हैं सब कुछ डिस्कस किया है उसमें। और एक ये और कि साइक्लिक फॉर्म हमेशा लीनियर फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। यानी चक्रीय संरचना सीधी श्रृंखला से जो है ज़्यादा स्टेबल होती है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, शुगर की स्टेबिलिटी का। शुगर साइक्लिक फॉर्म में कब कन्वर्ट होती है, जब किसी शुगर को आप वाटर में डालते हो तो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि चीनी होती है, चीनी, अब हालांकि आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि चीनी को जैसे ही आप पानी में डालोगे तो अपनी लीनियर फॉर्म से साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड साइक्लिक फॉर्म इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू लीनियर फॉर्म, ठीक है। तो चलो अब हम चार्ट पे चलते हैं। तो देखो आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आज हम सिंपल वाले को कंप्लीट करेंगे, कल कॉम्प्लेक्स को। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में एक तो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, एक डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब जिनमें मतलब शुगर की केवल एक ही चैन प्रेजेंट हो, और डाइसेकेराइड जिनमें शुगर की दो चैन प्रेजेंट हो, उन्हें डाइसेकेराइड कहते हैं। एग्जांपल में दे रखा है मैंने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज मोनोसेकेराइड में, और लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज डाइसेकेराइड में। देखो डिटेल से डिस्कस करते हैं मोनोसेकेराइड को। मोनोसेकेराइड यानी कि जिसमें केवल एक ही जो है श्रृंखला प्रेजेंट हो, किसकी, एक ही चैन प्रेजेंट हो सैकेराइड की। सैकेराइड का बेसिकली मीन क्या होता है, सैकेराइड का मतलब होता है मीठा, और शुगर कैसी होती है, मीठी, क्यों, क्योंकि उनमें सैकेराइड प्रेजेंट होता है। तो अब चलो एग्जांपल देखते हैं। देखो मोनोसेकेराइड बहुत टाइप के हो सकते हैं, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। ट्रायोज मतलब कि मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होगा 3 times, ठीक है। टेट्रोज मतलब 4 times प्रेजेंट होगा, श्रृंखला एक ही होगी बस वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। देखो ट्रायोज का, इनका सिर्फ एग्जांपल आपको याद रखना है, डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है विच शुगर इज ट्रायोज, विच इज टेट्रोज, ठीक है। तो ये जितने भी बताए मैंने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तो फेमस हैं 6, ये हैं हेक्सोज शुगर में आते। देखो ट्रायोज का एग्जाम्पल है ग्लिसरेलडिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं, ठीक है। टेट्रोज है इरिथ्रोज और थ्रियोज, ठीक है। पेंटोज में राइबोज, राइबुलोज, ये याद रखना जाइलुलोज, ये पूछा जा चुका है जाइलुलोज में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो एक पेंटोज शुगर है तो 5 होंगे। हेक्सोज ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, एलोज, यानी जो भी शुगर आप इन जनरली सुनते हो वो सब हेक्सोज ही होती है। आइडोज, सोरेबोज और हेप्टोज में आता है सीडोहेप्टुलोज, ठीक है। ये तो था जी मोनोसेकेराइड के बारे में। अब मैं आपको
थोड़ा जो आज कंटेंट और इंक्लूड किया है वो डिस्कस करके बताता हूँ। बाकी कॉम्प्लेक्स में जो आते हैं ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, रेफिनोज, स्टर्च, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब हम बोर्ड पे चलते हैं, और अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फेसबुक लिंक भी देता हूँ, मेरा जो है नाम आप टाइप कर लिया करो, फेसबुक पे आ जाएगा, और जो फ़ोटो मैंने मेरे चैनल पे लगा रखी है वही अपलोड है फेसबुक पे भी, तो आप वहाँ से भी लिंक देख सकते हो। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक्स हो सकते थे कवर करता हूँ मैं, और मैंने ये कुछ पॉइंट्स उठाए हैं तो ये कवर देख लेते हैं एक बार। पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड कीटोन होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी ये कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा। कायरल सेंटर का मतलब कार्बन एटम से जुड़े हुए चारों ग्रुप के होंगे, अलग अलग होंगे। शुगर को वाटर में डालोगे साइक्लिक बन जाएगा, साइक्लिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती। टू शुगर आर अटैच्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये आ चुका है क्वेश्चन, नीट के अंदर आ चुका है, ठीक है, किसी भी तरह से पूछ लेते हैं। तो ये कुल मिला के आए हुए हैं एनोमर्स, सॉरी ये थोड़ा एनोमर्स की बात हो रही। देखो एनोमर्स का मतलब क्या होता है, मैंने बोला अल्फा बीटा ग्लूकोज कैन शो म्यूटा रोटेशन इन एक्वस मीडियम, ये एनोमर की तरह काम करते हैं। देखो म्यूटा रोटेशन का मतलब ये होता है कि एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। अब आपको फीलिंग तब आएगी जब स्ट्रक्चर देखोगे। अब ये कैसे बनी मैं बता रहा हूँ, मेरी बायोमोलिक्यूल वाली वीडियो देख लो, कोई भी शुगर के स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे, मिनट में बना दोगे, सेकेंडों में बना दोगे, ठीक है ना। तो अभी कुल मिला के इतना देख लो, ये अल्फा के स्ट्रक्चर है, ये बीटा के स्ट्रक्चर है। इसका मतलब देखो क्या है कि अल्फा में OH नीचे है और बीटा वाली में OH ऊपर है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों एनोमर हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अल्फा बीटा फॉर्म हमेशा एनोमर होती है इन जनरली, तो 99% तो, ठीक है। और ये ग्लूकोज का मैंने एग्जांपल दे दिया, अब आगे देखते हैं। देखो दो स्ट्रक्चर होती हैं, एक फ्यूरेन होता है, एक पायरेन होता है। ग्लूकोज को पायरेनोज बोलते हैं, पता है क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और इस रिंग में, पायरेन रिंग में भी 6 है, 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन, हो गया 6 एटम है, इसलिए इसका एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज। फ्रक्टोज में 5 कार्बन होते हैं, यहाँ 1 2 3 4 तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, यानी ये भी 5 मेंबर रिंग है, इसलिए इस फ्रक्टोज इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो फ्रक्टोज इज ए टाइप ऑफ फ्यूरेन रिंग, यानी फ्रक्टोज में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, फ्यूरेन। और पुराने PMT के टाइम पे ये क्वेश्चन भी आया करते थे, अब तो खैर नहीं आते इतने। अब डायसेक्राइड की बात करते हैं, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का ये एक तरीके से मिलके बना होता है, डाइमर होते हैं। डाइसेक्राइड मतलब दो शुगर प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, दो टाइप की शुगर रिपीट नहीं होंगी बल्कि टाइप ही अलग होगा। तो लैक्टोज में ग्लूकोज ग्लैक्टोज, माल्टोज में ग्लूकोज ग्लूकोज, सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज। मेन चीज़ क्या है वो देखो, अब लैक्टोज में 1,4 लिंकेज होता है, लैक्टोज में 1,4 लिंकेज है, माल्टोज में 1,2 लिंकेज है, सुक्रोज में 1,4 लिंकेज है। ये सब क्या होता है लिंकेज वगैरह, ये तभी पता चलेगा जब आप मेरी बायोमोलिक्यूल वाली वीडियो देखेंगे, ठीक है। इसको डिस्कस करूँगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर मेरे से अपलोड होने में थोड़ा दिक्कत होता है यूट्यूब पे, और वहाँ से ही मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता रखा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कंसेप्ट बता रखी है, ट्रिक बता रखी है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बता रखी है, लीनियर हो चाहे वो साइक्लिक हो या फिर 3 डायमेंशनल हो, सब कुछ डिस्कस किया है, वेज डेस्क भी डिस्कस किए हैं। तो आप टेंशन ना लें, वहाँ देख लें एक बार, 10-15 मिनट की वीडियो है, ठीक है ना, आपका काम बन जाएगा। तो दिस इज टूडेज लेक्चर फ्रॉम ऋतिक शर्मा केमिस्ट्री क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार पूरा बोर्ड दिखा देता हूँ। ये तो हाफ साइड हो गई जी, ठीक है, ले लिया, और ये हाफ साइड ये है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करते हैं बचे हुए पॉइंट्स को। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद ए न्यू टॉपिक।